Hey guys, this is Tarun again, back with another fitness video. So the transformation has started. Aaj, first day of my gym, where I went in the morning. Iska main different video block karunga, but this video is not about me sharing my experience after 10-15 days of hitting the gym. This video blog is about ectomorphs. Ectomorphs वो लोग होते हैं जो वेट गेन नहीं कर पाते, हेट गेन नहीं कर पाते, मसल गेन नहीं कर पाते. मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं बहुत पतला हूँ, मैं इसे वेट गेन नहीं हो पा रहा है, मुझसे वेट नहीं उठ पाता है, व्हाट डू आई डू, क्या करूँ. यार पहली बात तो मुझे ये बताओ, वेट क्यों नहीं उठ पाता है. सो इस ब्लॉग में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा. अब इसमें मैं कोई मंत्र नहीं मारूंगा कि जिससे आप लोग वेट उठाना शुरू कर दोगे रातों रात और कल से यू नो यू विल स्टार्ट लिफ्टिंग हैवी वेट एंड अ वीक्स टाइम यू विल पैक ऑन लॉट ऑफ मसल्स. सो व्हाट दीज सो कॉल्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स क्लेम और जो आपके जो इंटरनेट आपका जो इन्फॉर्मेशन ज्ञान का सागर है वो बोलती हैं चीज़ें. मैं सब कुछ नहीं बताने वाला आपको. मैं आपको रियल हार्ट फैक्ट ऑनेस्ट ट्रूथ बताऊंगा एक कि आप पतले क्यों और आप वेट क्यों नहीं गेन कर पा रहे हो. आप पहले एक बात समझो, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो एक ब्लेस्ड हैं. वो यू नो यू आर ब्लेस्ड. ब्लेस्ड इसलिए कि यार लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए और आपके पास एक पावर है जिससे आपका वेट गेन नहीं होता है. तो पहली बात तो आप हमेशा ही जवान रहेंगे. यू नो यू ऑलवेज स्टे यंग. थिंक ऑफ इट दैट यू नो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. शाहरुख खान इज एन एक्टोमॉर्फ. ये आदमी कभी वेट गेन कर सकता है? कभी वेट पुट ऑन कर सकता है? कभी नहीं करेगा. तो हमेशा ये पतला, जो लोग पतले होते हैं वो उतने ज़्यादा यंग लगते हैं. बट ऑब्वियसली फेस रिंकल्स वगैरह ये तो डिफरेंट है. तो एक्सेप्ट दैट दिस इज योर बॉडी टाइप. और दूसरा, खाने का मतलब ये नहीं होता कोई आपको खाने के लिए कहता है कि आप सब कुछ तोड़े जाओ, खाए जाओ. नहीं, देर इज अ वे टू डू इट विच आई विल टेल यू. सो अगर आप एक्टोमॉर्फ हो और आपको वेट पुट ऑन करना है, मैंने ऐसे वेट फैट नहीं, मसल वेट पुट ऑन करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर वन, आपको सबसे पहले जिम जाना चाहिए और जिम में उन फुद्दू ट्रेनर्स को नहीं सुनना चाहिए. व्हेन आई से फुद्दू, सॉरी फॉर माय बियाज, क्योंकि कोई भी जो लोग होते हैं वो सबसे पहले जब पतले लोग को देखते हैं उसको सबसे पहले ये कहते हैं, अरे यार तू वेट ट्रेनिंग करा कर, तू ज्यादा उठाया कर, यू नो तुझे तो आधे घंटे 45 मिनट नहीं, तुझे तो 2 घंटे जिम करना चाहिए, 3 घंटे जिम करना चाहिए. नहीं, उल्टा है. You really need to spend 40 to 45 minutes in the gym. That's it. क्यों? क्योंकि आपका metabolism पहले ही इतना high है कि आप जो खाते हो पचाते हो निकल जाता है. आप अगर 2-3 घंटे जिम में और रहोगे तो आप और जला दोगे, तो आपका सारा effort खत्म. Logic की बात है. मतलब मैं आपको वो ज्ञान नहीं दे रहा जो आपको नहीं पता. This is something that you already know. बट वो कहते हैं ना, जब कोई दूसरा ज्ञानी देगा तो आपको समझ आ जाएगी. बट मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, बट आई एम ओनली गोना टॉक सेंस एंड लॉजिक टू यू गाइस. तो 45 मिनट वर्कआउट. अब वर्कआउट में करना क्या है भाई साहब? सबसे पहले एज एन एक्टोमॉर्फ यू हैव टू लिफ्ट फकिंग हैवी. आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं वहां जाऊंगा, 25 रिपीटेशन मारूंगा, 20 रिपीटेशन मारूंगा, 4 बॉडी पार्ट करूंगा, फिर हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करूंगा. नहीं, You only have to train 3 days a week. आप अपने दिन चूज कर लो, मंडे वेंसडे फ्राइडे, जो भी आपके दिन है, जो आप कंफर्टेबल, एक दिन छोड़ के एक बॉडी पार्ट चूज कर लो. जैसे मंडे को आप चेस्ट करोगे, बड़े बॉडी पार्ट, छोटे बॉडी पार्ट नहीं, बड़े बॉडी पार्ट. लेट्स से यू स्टार्ट विद बैक. आप बैक करो और बैक हैवी करो, 4 से 5 एक्सरसाइजेस, 4 सेट्स और एक वार्म अप सेट रखो. आप वर्किंग सेट रखो, वो वर्किंग सेट नहीं होगा, वार्म अप सेट होगा. स्टार्ट विद 10 रेपिटेशन, 8 रेपिटेशन एंड 6 रेपिटेशन. हैवी, इतना हैवी हो, वो 1 RM का मतलब समझते होंगे कि जितना आपका 80% आपसे उठता है उसका जितना आपसे उठता है उसका 80%, यू नो 80% ऑफ व्हाट यू कैन लिफ्ट बट एज पर योर मैक्सिमम वेट. फॉलो दैट रूल. आपको जिम में टाइम वेस्ट नहीं करना, बकचोदी नहीं मारनी है वहां पे कि वहां पे किसी से भी बात करने लगती. यू गो देयर विद अ पर्पस. द पर्पस इज टू लिफ्ट हैवी. आई विल डू माई 4 एक्सरसाइजेस 5 एक्सरसाइजेस, बूम एंड आई एम आउट ऑफ इट. डन. ये आपने कर लिया 45 मिनट्स, तो आपको थोड़ा एक मसल स्टिमुलेशन मिल जाएगा. अब आपको इमीडिएटली जिम के आने के बाद आपको वे प्रोटीन लेना है. वे प्रोटीन के साथ, और आपकी जो बॉडी है, जो एक्टोमॉर्फ्स की बॉडी है, दे रियली डोंट रिस्पॉन्ड वेल टू प्रोटीन, दे रिस्पॉन्ड वेल टू कार्ब्स.
आपके पास तो ऐसे जबरदस्त जेनेटिक्स, आई विश आई वाज एन एक्टोमॉर्फ यार, आपके पास ऐसे जबरदस्त जेनेटिक्स हैं, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग, कुछ भी खाओ सारा जल जाता है फटाक से। वर्कआउट के बाद आपके पास एक कार्ब मील होना चाहिए, हैवी कार्ब मील, जिसमें आप डालो वाइट राइस, जिसमें आप डालो थोड़ी सी सब्जियां, चिकन, यू नो ज़्यादातर राइस, वे प्रोटीन तो आप लोगे दो स्कूप या एक स्कूप जो भी आपके पास है उसको खाइए। खाना है मतलब, अगर आप खाने से कभी, ये नहीं कि एक हैवी मील लिया और छोड़ दिया, नहीं, ईट एवरी 2 आवर्स। बहुत अजीब सी बात लगती है जब लोग बोलते हैं कि हर 2 घंटे में खाना है। अरे मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ आपको, आई एम ओनली टेलिंग यू व्हाट वर्क्स, सिंपल। और जिम से पहले अगर आप खा सके तो और भी अच्छा है। जिम से पहले आप, यू नो, यू कैन टेक 2 स्वीट पोटैटोज, जिसे हम इंग्लिश में यैम्स भी कहते हैं, या कचालू, जो आजकल सर्दियों के मौसम में बहुत ज़बरदस्त टेस्टी मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालिए, नींबू डालिए, वाला ज़बरदस्त टेस्ट का होता है, 2 वो लीजिए और उसके बाद आधे घंटे के अंदर आप जिम करिए अपना। आपके लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं, कार्ब्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। वर्कआउट से पहले कुछ लेके ही वर्कआउट करिएगा, यू कांट वर्कआउट एम्प्टी स्टमक, फिर आप वैसे के वैसे ही, जिसे कहते हैं ना देसी भाषा में, पतलाइंडी रह जाएंगे आप। यू डोंट वांट दैट शिट, डू यू? ईट, ट्रेन, अगेन ईट। I understand you, some of you could be students, some of you could be working professionals, so what can you do? Carry your food. आप राइस खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, और there are lot of carb options. मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप student हैं, आप सुबह जल्दी उठिए, अगर आप उठ रहे हैं, अगर आप hostel में रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो this is the best option for you. एक blender में invest करिए, जो आप क्या करिए 1200-1100 रुपए का आएगा, उसमें डालिए oats, उसमें डालिए एक चम्मच peanut butter, और उसमें डालिए 1 स्कूप वे प्रोटीन, और उसको बना के आप उसके 3 से 4 ग्लास बना लीजिए, मतलब 4 बारी बना लीजिए वो, उसके साथ अपने स्कूल में या कॉलेज में लेके जाइए। इट हैज अबाउट गुड 400-500 कैलोरीज, और आपको कम से कम दिन के ये 4 जो ऑन द गो मील्स है, कम से कम 1500 से 2000 कैलोरीज मिलेंगी आपको, 2000 कैलोरीज जो आपके लिए अमृत का काम करेंगी, रादर कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ यू नो जिम पे ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं। और दूसरी तीसरी चीज, आप जिम चले गए, पहला खा के, दूसरा आपने खा लिया खाना, तीसरा स्लीप, आपको कम से कम भी 6 से 7 घंटे सोना है। यू नो हम स्लीप के बारे में इतना सोचते नहीं, अरे यार सोना ही तो है, यू नो इट्स व्हेन यू स्लीप इज व्हेन यू ग्रो। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब है तो फॉरगेट मसल्स यार, आप वैसे के वैसे ही रहोगे आप। सो प्लीज रात को सोने से पहले भाई वो इंटरनेट बंद कर दो, अपना व्हाट्सएप बंद कर दो, चालू बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, एंड जस्ट ट्राई टू फकिंग स्लीप, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। और आपको सोना ही सोना है 6-7 घंटे। एक और बात जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है, जो आपको करनी चाहिए, जो मैं हर एक्टोमॉर्फ को कहता हूं, वो ये है, यू कांट अफोर्ड टू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल। सॉरी फॉर मी सेइंग दिस, मैं बहुत लोगों को परेशान करूंगा इस बात को बोल के, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म इतना हाई है, आपको थोड़ा सा लेजी रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप चलेंगे फिरेंगे ज्यादा तो आप कैलोरीज बर्न करेंगे, थोड़ा सा लेजी रहिए। यू नो अगर आपको जहां 10 कदम चलने की जरूरत है, आप 2 कदम चलिए, 20 कदम चलने की जरूरत है, 4-5 कदम चलिए, बिकॉज द पॉइंट इज यू कांट बी बर्निंग मोर कैलोरीज, यू हैव टू लिमिट योर कैलोरीज, बिकॉज अगर आप बैठे भी हुए हैं, आपका यू नो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई होगा, आप वैसे भी हाथ हिलाते हुए भी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। सो द आइडिया फॉर यू इज टू कंजर्व एज मच एनर्जी एज यू कैन, सो लिमिट योर एक्टिविटीज। कार्डियो कर रहे हैं तो कार्डियो तो भाई भूल ही जाओ आप, यू कांट बी फकिंग डूइंग कार्डियो। इफ यू प्लेइंग अ स्पोर्ट, इफ यू डूइंग एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू पैक ऑन मसल, फॉरगेट अबाउट इट, आइदर पिक अप योर स्पोर्ट, डू वेल देयर, और चूज टू पैक ऑन मसल्स, यू हैव टू टेक अ कॉल, यू कांट हैव बोथ। अगर आप कॉलेज में स्पोर्ट खेल रहे हैं, पतले, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर यू टू यू नो टेक दिस स्पोर्ट अप, बट अगर आप स्पोर्ट भी खेलना चाहते हैं जो आपकी बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट, लाइक फुटबॉल या क्रिकेट या रेसलिंग, कुछ भी, विस विस यू वॉन्ट गेन सम मसल्स ऑल्सो, वो थोड़ा मुश्किल होगा, यू हैव टू टेक अ कॉल विच वन डू यू वॉन्ट। ये 3-4 चीजें आपको करने से आई एम प्रीटी श्योर यू विल पैक ऑन डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल वेट, नॉट फैट बट डिसेंट वेट। और ये सब पढ़ना इंटरनेट पे, ये सब छोड़ छाड़ दो यार, ये सब फुद्दू काटने वाली बात होती है लोगों की। यूज योर ओन फकिंग लॉजिक इन लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू बी शेयरिंग समथिंग विच यू ऑलरेडी डोंट नो।
आई एम जस्ट गोइंग टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, बट वन थिंग आई विल ऑलवेज टेल यू, मैं हमेशा हमेशा आई विल से द ट्रूथ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू. सो एनी क्वेश्चन यू हैव ऑन दिस, फील फ्री टू रीच आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल, ऑन माई फेसबुक चैनल, और इवन यू नो ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप. फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस फॉर यू. सो अंटिल वी मीट अगेन, सी यू.